दोस्तों आज की डेट पे अगर आप डोरी केस को उठा के देखोगे, डोरी केस का जो फीडबैक चेक करोगे, आप कहीं ना कहीं एनसीआरबी पे जाके देखो, कहीं भी आप सोशल मीडिया पे जाके देखो, चाहे कहीं भी कोर्ट के जजमेंटों के अकॉर्डिंग देखिए, 90% मामले में पति बरी हो जाता है, लेकिन 10% लोगों को ही पनिशमेंट मिल पाती है। उसके बाद भी दहेज के केस सबसे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं आज की डेट में। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज की वीडियो में पूरा प्रैक्टिकल बात करने वाले, इसमें पति और पत्नी दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला, इस वजह से वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास, नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, होता है क्या कि जो दहेज का डोरी का केस होता है, जब भी पत्नी के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी वायलेंस होता है किसी भी टाइप का, तो ऐसी सिचुएशन डायरेक्टली किसी के लीगल एडवाइज़र के पास या कोई भी एडवोकेट साहब है या फिर पुलिस के पास जाती है, तो डायरेक्टली कहीं ना कहीं से एक दहेज की अलीगल टाइप से कोई डिमांड भी हो रही है, हरासमेंट भी किया जा रहा है, तो पुलिस को जाके बताती है कि साहब मेरे साथ प्रताड़ना की जा रही है, मारपीट की जा रही है, मुझे वायलेंस किया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में डायरेक्टली क्या हो जाता है कि पुलिस में भी डायरेक्ट डोरी का केस एक्सेप्ट करा देते हैं, जाते कहते हैं कि साहब आप दहेज का केस कर दीजिए। सिमिलरली उनके साथ भले कोई भी मारपीट हो, घर में घरेलू हिंसा भी हुई होगी, पास डोमेस्टिक वायलेंस भी हुआ होगा, तो भी दहेज का केस कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या आती है दहेज के केस में, जो कि खासकर महिलाओं की तरफ से, कि सिमिलरली वो एक ही कंडीशन में, एक ही टाइप की, जो कि उनकी तरफ से 90% एक्चुअली उनके साथ क्या हो रहा है वो चीज़ें नहीं होती हैं, इस वजह से वो केस को बड़ा चढ़ा के लिख देते हैं कि भैया बड़ा चढ़ा के स्ट्रॉन्ग केस बन जाएगा। देखो, बढ़ाने चढ़ाने से, लिखने से कुछ नहीं होने वाला, इससे आपका खुद का घर बिगड़ने वाला है, क्योंकि कोर्ट आपको एविडेंस मांगेगा, पुलिस तो एक्सेप्ट कर लेगा आपका केस, जो आप कहोगे जो लिखोगे, क्योंकि होनेबल सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी से गाइडलाइन है, रूलिंग है कि भैया महिला का कोई भी केस आ रहा है उसको आप डायरेक्टली कोर्ट तक आने दीजिए, या तो उसको काउंसलिंग बैठ के सॉर्ट आउट करिए या फिर उसका कोर्ट तक आने दीजिए, क्योंकि पुलिस के पास इतना पावर नहीं है फैमिली मैटर के लिए, तो पुलिस तो आपका एक्सेप्ट कर लेगी आरोपों के बेस पे, लेकिन आप कोर्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत क्रिएट होने वाली है, क्योंकि आपके उनके पास सबूत होने चाहिए। अब मैक्सिमम महिलाओं के पास सबूत होते नहीं हैं, कहीं महिलाएं, मैं खुद प्रैक्टिकल देखता हूँ कि साहब वकील साहब ने कहा बड़ा चढ़ा के लिखो आपका केस स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, पुलिस वालों ने भी कहा कि स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, लेकिन एक्चुअल में आपने ये चीज़ें भूल गई कि आपके पास एविडेंस कितने के हैं, नहीं है। सिमिलरली एक तरह से सेम टाइप के केस आते हैं, कोर्ट को ये समझ में आ चुका है अच्छे से कि भैया जो भी ये कंप्लेंट आ रही है, देखो रियल कंप्लेंट और जो सिमिलर टाइप की कंप्लेंट आती है उसमें कोर्ट अच्छे से समझता है, दिन रात ही काम करते हैं, कोर्ट का काम ही है। तो ऐसे सिचुएशन में भैया आप कितना ही बड़ा चढ़ा के लिखो, जब तक आपके पास एविडेंस नहीं होंगे तब तक आपका केस नहीं जीत पाओ किसी भी कंडीशन में। और यही सिचुएशन होती है कि ना तो इनको टाइमिंग का पता रहता है कि इनके साथ कब वायलेंस हो रहा है, कब इनके साथ मारपीट हो रही है, क्या इनके पास एविडेंस है क्या नहीं है, कुछ भी पता नहीं होता है। सिमिलरली उठा के डाल देते हैं, साहब दहेज केस हो गया, प्रताड़ना कर दिया, मेरी सास ने भी डिमांड की एक मोटरसाइकिल की 5 लाख की, या कोई बड़ी अच्छी पार्टी है तो वह 20 लाख की, 50 लाख की, इस टाइप की हरासमेंट की है, घर से बाहर निकाल दिए, मारपीट कर दिए। अब ये प्रॉब्लम किसने मांगा, किसने नहीं मांगा, सिमिलरली हस्बैंड ने भी मांगा, सास ससुर ने मांगा, दूर के रिश्तेदारों ने मांगा, अब यहीं पे डिफॉल्ट हो जाती महिला, यहीं पे आपका केस कमज़ोर हो जाता है सबसे बड़ी, क्योंकि हर कंडीशन, हर पर्सन एक ही सिचुएशन आपके साथ नहीं कर सकता कभी भी। अगर पति ने आपके साथ मारपीट की है तो आप उसको एक्सप्लेन के साथ लिखिए ना कि पति मेरे साथ ये वायलेंस किया, सास ससुर ने मेरे साथ ये किया, अलग अलग आप उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिखिए। आप जब आपके साथ प्रैक्टिकल हो रहा है तभी जाके आप पनिशमेंट करा सकते हो दहेज केस में, आसानी से इतना आसान नहीं है कि आपको आपने बड़ा चढ़ा के कुछ भी लिख दिया और आप कोर्ट में आराम से जीत जाओगे। कोर्ट हमेशा एविडेंस के आधार पर चलता है, किसी महिला को सपोर्ट के आधार पर नहीं चलता है। इस वजह से पति लोग बरी हो जाते हैं, क्योंकि मामले मैक्सिमम ज़्यादा झूठे जाते हैं, क्योंकि स्टोरियाँ जो भी कहानियाँ होती है वो पूरी सिमिलर टाइप की होती है, सासू ने मारा, 5 लाख की डिमांड की, एक मोटरसाइकिल की डिमांड की, सिमिलर टाइप की, जो कि हर किसी केस में आ रहे हैं आज के डेट में, सबसे ज़्यादा हर केस में यही आते हैं। इस वजह से जब भी कोई केस करते हो सोच समझ के करिए, प्रैक्टिकल चीज़ लिखिए, आपके साथ जो घटना घटी है वही चीज़ें लिखिए, तभी जाके आप पनिशमेंट करा पाओगे, तभी जाके आप इंसान मिल पाएगा आपको, अन्यथा फिर आप कहोगे कि साहब कोर्ट को दोष दोगे, वकील को दोष दोगे, पुलिस को दोष दोगे, उसमें कोई फायदा नहीं है। तो कुल मिलाकर आपको अगला पॉइंट लेके आऊँगा कि महिला के पास किस टाइप के एविडेंस होने चाहिए जिससे वो दहेज केस जीत सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।